नमस्कार, एमए फाइनल फिफ्थ पेपर के स्टूडेंट्स, हम फिफ्थ पेपर मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी एंड एनालिसिस पेपर में पिछले लेक्चर में भी ये पढ़ चुके थे कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं। इसमें हमने ये देखा था कि ये जो थ्योरी है वो अध्ययन मुक्तता पे आधारित है, वैज्ञानिकता की ओर अग्रसर इस सिद्धांत को माना जाता है, मूल्य विहीनता पर इसने जोर दिया, आदर्शवादी अध्ययनों की अपेक्षा यथार्थवादी अध्ययन को प्रमुखता दी, साथ ही आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अनुभववाद और व्यवहारवाद पर आधारित था। इसमें पद्धति विज्ञान और मूल्य सापेक्षतावाद के ऊपर प्रमुख स्थान दिया गया, वैज्ञानिक पद्धति को प्रमुख स्थान दिया गया, शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध पर बल दिया गया और अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित था। और इसके साथ ही हम इसमें देखते हैं कि इसने एक विषय को वैज्ञानिकता प्रदान की, ये हमने पिछले लेक्चर में इसको पढ़ा था। आज हम ये देखेंगे कि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ये पेपर है, इसमें इसका अभिप्राय क्या है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है और विभिन्न विचारकों ने इसके संदर्भ में अपने किस किस तरह से इसको परिभाषित किया है, इसकी विशेषताएं और इसके अर्थ को आज हम इस व्याख्यान में स्पष्ट करेंगे। फिफ्थ पेपर एमए फाइनल के आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें ये हमें जानना जरूरी है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विचारों का मूल्यों के स्थान, विषय सामग्री की व्यापकता, अनुभवपरकता और सिद्धांत निर्माण की सफलता आदि अनेक दृष्टियों से विश्लेषण किया जा सकता है। कैटलिन जो एक प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं, उनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में सामान्य बोध और मूल्य निर्धारण दोनों शामिल हैं। इसी तरह से एक और विचारक हैं ब्लूम, वो लिखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम उन सभी बातों को सम्मिलित कर सकते हैं जिनका संबंध राजनीति से है, और ये वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत के स्वरूप को और अधिक व्यापक बना देते हैं। ऐसे एक और विचारक हैं एंड्रयू हैकर, वो लिखते हैं कि वह आधुनिक जगत में प्रयुक्त राजनीतिक व्यवहार का यथार्थ और व्यवस्थित अध्ययन है, जिसका उद्देश्य है कि मनुष्यों और राजनीतिक संस्थाओं के व्यवहार संबंधी तथ्यों की खोज करना, उन्हें क्रमबद्ध करना, उनकी व्याख्या करना और सामान्यीकृत विवरण प्रस्तुत करना। इसी प्रकार जो आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं डेविड ईस्टर्न, जिन्होंने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया, उनके अनुसार सिद्धांत एक संवर्गों का प्रखर आनुभाविक संगति पूर्णता लिए हुए और एक ऐसा तर्कपूर्ण एकीकृत सेट है जो कि राजनीतिक जीवन का विश्लेषण एक राजनीतिक व्यवहार व्यवस्था के रूप में करना संभव बनाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ईस्टर्न के सिद्धांत में व्याख्यात्मकता है और राजनीतिक तथ्यों का विश्लेषण करने का समावेश दोनों शामिल है। एक और प्रमुख विचारक हैं प्रेस्ट, और उन्होंने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद का समावेश किया है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ये अलग अलग जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और परिभाषाएं दी हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के इन सभी परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती हैं और
इस सिद्धांत विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों के इन सभी विचारों को यदि हम मिला दें तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रोफेसर एस.एल. वर्मा ने भी कुछ विशेषताएं स्पष्ट की हैं जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। ये स्पष्ट करते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताओं को और ये बताते हैं कि इसमें इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव किए जा सकने वाले तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, यानी अवलोकन करके जब हम राजनीतिक घटनाओं को स्पष्ट करते हैं, उन्हें जानते हैं और उनको हम स्पष्ट कर सकते हैं, तथ्यों को एकत्र कर सकते हैं और उस अवलोकन के आधार पर तथ्यों का अध्ययन कर सकते हैं, तो वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है। दूसरी विशेषता जो इस आधार पर सामने आती है वो ये कि इसमें अध्ययन की मान्य एवं सर्वसम्मत वैज्ञानिक पद्धति एवं अन्य प्रविधियों को अपनाया जाता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रचलन हुआ और नई नई तकनीक जो साइंटिफिक थी उनको अपनाया गया, जो अवलोकन करके जो तथ्य एकत्र होते हैं उन एकत्रित तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियाँ हमारे विषय में अपनाई जाने लगी, वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत हैं। जैसे वैज्ञानिक पद्धतियों में सर्वेक्षण, प्रश्नावली, सांख्यिकी पद्धतियाँ, नमूना सर्वेक्षण पद्धति, ये ऐसी पद्धतियाँ हैं जो कि वैज्ञानिक हैं, नई तकनीक पर आधारित हैं, जिससे हमारे विषय की जो जो भी अध्ययन किया जा रहा है, अनुभवात्मक अध्ययन और जो तथ्यपरक अध्ययन, उसको व्याख्या और स्पष्ट किया जा सकता है। तीसरी विशेषता ये सामने आती है कि इसमें अध्ययनकर्ता अपने मूल्यों को अलग रखता है। मूल्यों से यह अभिप्राय है कि अध्ययनकर्ता अपनी कोई भी पक्ष को अपनी स्वेच्छा अनुसार शामिल नहीं करता। वो जो भी अध्ययन कर रहा है वो निष्पक्ष होगा। जो भी घटनाक्रम चल रहा है, जो अनुभवात्मक अध्ययन है, उसमें वो अपने मत को नहीं शामिल करेगा। पक्षपातपूर्ण कोई भी अध्ययन या उसका अनुसंधान नहीं होना चाहिए, बल्कि वह जो भी अध्ययन करे, जो भी विश्लेषण करे, वो निष्पक्ष हो, मूल्यों को अलग रखते हुए किया जाना वाला हो, जिसमें अनुसंधानकर्ता की इच्छा या हित समाहित नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट जो विशेषता सामने आती है वो ये कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में अध्येता अवलोकन या अध्ययन आरंभ करने से पूर्व एक वैचारिक या अवधारणात्मक रूपरेखा तैयार कर लेता है। इसको हम परिकल्पना या हाइपोथेसिस कह सकते हैं कि जो भी अध्ययन कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, वो अनुसंधान बाद में करे, पहले वो उससे संबंधित एक अनुमान या एक प्राकल्पना तैयार करे कि अध्ययन जो है किस प्रकार का होगा और उसका परिणाम क्या हो सकता है, उसको आधार बनाते हुए वो अपने आगे का अनुसंधान करे। नेक्स्ट जो विशेषता हमारे सामने आती है वो ये कि इसमें शोध और विश्लेषण के परिणामों, निष्कर्षों या सामान्यीकरण को परस्पर संबद्ध करके उनकी व्याख्या करके एक सिद्धांत का स्वरूप प्रदान किया जाता है। इस आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से जो एक और शुरुआत हुई वो ये कि जो भी कुछ शोधकर्ता ने शोध किया है उसको पूरी तरह से अवलोकन कर, तथ्यों का विश्लेषण कर, उसका परिणाम निकाल के और लास्ट में जब निष्कर्ष तक आते हैं तो उन निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांत निर्माण का प्रयास किया जाए, एक सामान्यीकरण करने का प्रयास किया जाए, जिसको हम कह सकते हैं कि सिद्धांत निर्माण करना, थ्योरी बिल्डिंग करना। और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का ये प्रमुख उद्देश्य भी है कि जैसे विशुद्ध विज्ञान में हम
लास्ट में जाके किसी सिद्धांत तक पहुँचते हैं, एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। उसी प्रकार हमारे विषय में भी हम सिद्धांत निर्माण करें, एक सामान्य एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयास करें। एक और जो विशेषता आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की देखी जा सकती है, और असल वर्मा ने भी इसको एक्सप्लेन किया है, वो है इसमें शब्द, प्रक्रियाएं, परिणाम आदि निश्चित, स्पष्ट और तकनीकी रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित अध्ययन है, अनुसंधान है। तो जो भी हम इसमें प्रक्रिया कर रहे हैं, परिणाम निकाल रहे हैं, वो निश्चित भी होते हैं और स्पष्ट भी होते हैं, और उनको तर्क की कसौटी पे भी खरा उतारा जा सकता है, क्योंकि तकनीकी रूप से वो सही होते हैं, तथ्यों का सही विश्लेषण पर आधारित उनका अध्ययन किया गया होता है। एक और जो विशेषता सामने आती है वो ये कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान विश्वसनीय है, पूर्वकथनीय और उपयोगी होता है। उसकी निर्धारित पद्धतियों और प्रविधियों के द्वारा पुनः जांच और परख की जा सकती है, क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, अवलोकन और तथ्यों पर आधारित है, प्रमाणित है, तो विश्वसनीयता देखी जा सकती है। और इस पर आधारित जो भी सिद्धांत निर्माण या निश्चित परिणाम या निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसका कहीं ना कहीं उपयोग भी संभव है। उसके द्वारा राजनीतिक क्षेत्र की सामान्य जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सकता है, वो उपयोगी हो सकती हैं, उसका महत्व बढ़ जाता है। और इनकी अगर जांच करनी है या पुनः परख करनी है तो वो भी करना संभव हो जाता है, क्योंकि ये साइंटिफिक पद्धतियों और तकनीकों पर आधारित अध्ययन होता है। तो हमने आज ये जाना कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसको अलग अलग तरीके से कैसे परिभाषित किया गया है, और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं।